लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मेरी वजह से हो रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई रहता है। Trust me, यहाँ कुछ है। ये मेरी फोटोग्राफ्स यहाँ पर क्या कर रही है? रागिनी उसे मत देखो। ये तो सुंदरी देवी है। सुंदरी देवी का बेटा। अरे तेरे में खोर था, तभी भगवान ऐसे तुझे पाव दिए। अभी मैं जाकर सबको बताती हूँ, और जब पुलिस तुझे जेल में डालेगी और दुनिया तुझे थूकेगी ना, तब तू सीखेगा, तब तू सीखेगा, तब तू सीखेगा। अपनी आई को मारेगा, अपनी आई को मारेगा। बोल अरे कपूत, मैं तुझे मार डालूंगी। अपनी आई को मारेगा, अपनी आई को मारेगा। सब ठीक कर दूंगा भाई, मैं गंदा लड़का नहीं हुआ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं गंदा लड़का नहीं हुआ, मैं गंदा लड़का नहीं हूँ। माफ कर आई, तेरा अंशु आई अच्छा लड़का है, गंदा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है, गंदा लड़का नहीं है। We'll be right back.
मैम। रागिनी तुम ठीक हो? रागिनी, रागिनी लुक एट मी, फोकस। कहाँ थी तुम? क्या देखा तुमने रागिनी? रागिनी क्या देखा बताओ? वो अंशुमन सुंदरी देवी का बेटा। अंशुमन नहीं, वो एमएमएस बनाया था। उसकी आई ने उसको पकड़ लिया और उसने उसने कुल्हाड़ी से उसको उसकी आई को मार दिया। अगर सुंदरी देवी का अंतिम संस्कार तुम लोग कर चुके हो तो ये स्केलेटन किसका है? कर रही हो? ब्रो, पहले मैं हाय गई, फिर मैं और हाय गई, फिर मैं इतना हाय कि रूप से नीचे धड़ाम। ब्रो क्या सॉलिड माल था ब्रो। अरे कुछ मीठा है क्या? मैम, आर यू श्योर हम सही रास्ते जा रहे हैं? काइंड ऑफ मैं यहाँ पर स्टूडेंट थी, नाइट टाइम हाइकिंग। नो वंडर रागिनी ऐसी है। रजा, तुमने रागिनी का स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। मैं सब समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त अंशुमन के घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम अंशुमन के घर जाना। इस वक्त रागिनी और भारती मैम अंदर फंसे हुए हैं। वी रियली नीड टू गो। चलो, लेट्स गो। भारती मैम फंस गई हैं। आई नीड टू सेव हर। लेकिन कैसे? जल्दी से कोई वो सीडी देख ले तो उसके बाद। An idea.
भाई राहुल भाई ठीक है? ओ माय गॉड आई नेवर फेल्ट दैट बिफोर. और अगर यहां से बच के निकल गए तो कॉल मी. रागिनी मैम आर यू ओके? तुम ठीक हो? मॉम रागिनी मॉम रागिनी मॉम आर यू ओके? आर यू ओके? हाउ हैव यू कम? आई हैव कम ऑल थैंक्स टू रागिनी. हां प्रिंसिपल कपूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हिसाब से तो आपकी कॉलेज में कुछ अजीब हो ही नहीं रहा था ना. देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? मॉम वो आपका एमएमएस इन्होंने ही बनाया है अंशुमन के साथ मिलकर. आप स्टोर रूम में उनका नाम लिया था. आप स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? अंशुमन के साथ मिलकर इन्होंने ही आपका एमएमएस बनाया है. अब एक्सेप्ट नो मॉम ही इज मेड द सीडी विद अंशुमन. आप कर लेते कि आपने एक्सेप्टेड दैट योर फ्रेंड ने अंशुमन का नाम ले लिया था. नो ही नहीं बनाया. अब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि यू आर गिल्टी? यस आई एम गिल्टी. ही इज गिल्टी. अंशुमन अकेला नहीं था. वो लड़कियों की रिकॉर्डिंग करता था और मैं उन सीडीज को कॉलेज में बेचता. तुमने मेरा एमएमएस बनवाया? फकिंग एसहोल. डिड यू वॉच इट? बहुत मजा आया तुम्हें? यार डिड यू जर्क ऑफ वॉचिंग मी? यू एसहोल. मैंने एक बार भी नहीं देखा. जैसे मुझे पता चला कि उसने तुम्हारा एमएमएस बनाया मैंने वो सारी सीरीज डिस्ट्रॉय कर दी सब के सब. पर एक सीडी मुझे कॉलेज में मिली और पता नहीं क्यों तब से लेकर आज तक मैं उसे जितनी बार डिस्ट्रॉय करता हूं वो वापस पता नहीं कैसे आ जाती है. और ये सब मैंने तुम्हें नहीं बताया बिकॉज मैं हमारी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था. रजत यू आर अ सिक मैन. पर मैं नहीं कर पाया. एंड नाउ राहुल इज इन डेंजर. क्या हुआ राहुल को? उस स्पिरिट ने राहुल को भी पोजेस कर लिया. What? इसका मतलब हम सब मरने वाले हैं? नहीं रागिनी वी ऑल आर गोइंग टू डाई. नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. ऑल ऑफ अस विल डाई. कोई नहीं मरेगा. आई नो व्हाट टू डू. आई नो व्हाट टू डू. कोई नहीं मरेगा. ही बी फाइन. ही बी फाइन. आई विल फिक्स इट. आई विल फिक्स इट. ये तो वही गाना है. कौन सा गाना? जो वो गाया करता था. कौन? अंशुमन. छोड़ दे प्लीज. तुमने सारा इल्जाम मुझ पे लगाया. तेरी वजह से मैंने अपने आई को मारा. मैं अपने घर में घुट घुट के मर गया. मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. Thank you.
mean, what happened? अंशुमन ने ये कहा था कि वो इस घर में ही घुट घुट के मर गया. इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी इस घर में है वो अंशुमन की है. मतलब पुलिस के डर से उसने अपनी जान ले ली होगी. और उसका अंतिम संस्कार कभी हो ही नहीं पाया. Exactly. अंशुमन, ये तेरे मेरे बीच की बात है. तू मुझसे निपट. इनको और राहुल को छोड़ दे. रागिनी, हमें अंशुमन की बॉडी जलानी होगी. जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. अंशुमन की बॉडी वो कहाँ पर है? बेडरूम में. पर हम लोग बेडरूम तक कैसे जाएंगे? ये दरवाजा भी तो बंद है. एग्जैक्टली, यहाँ से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है. आप लोग सब बाहर के विंडो से ट्राई करो. मैं कुछ और ढूंढती हूँ. सिमोन, लाइट ऑफ. या कम ऑन, लेट्स गो गाइस. कम ऑन. Come on, come on, come on, come. Ragini, please be careful. Yes, okay? Yes, yes, don't worry. अंशुमन, नहीं. अंशुमन प्लीज मुझे माफ कर दे. देख, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया. मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है. आई के जाने के बाद मैं खुद तुझे ढूंढने भी आया था पर तू मुझे नहीं मिला. मैंने तुझे बहुत ढूंढा अंशुमन. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अंशुमन. अंशुमन नहीं, अंशुमन. अंशुमन नहीं, अंशुमन, अंशुमन मुझे माफ कर दे.
So glad you're okay. Ouch! क्या हुआ यार? आपको seriously याद नहीं है क्या हुआ? नहीं. What are you talking about? It's okay. Thank you so much, ma'am. तुम्हें मुझे thank you कहने की कोई ज़रूरत नहीं. मेरी मदद के बिना भी तुम ये सब कुछ कर लेती. You have a very brave daughter. कुछ लोगों को ये बेवकूफी लगती है. कोई आम इंसान कभी भी वो नहीं कर पाता रागिनी जो तुमने किया है. फिर लोग चाहे इसे बेवकूफी कहें या ब्रेवरी. तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था तुम में स्पेशल एबिलिटीज हैं. I'll keep that in mind. वैसे तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम एक बहुत ही अच्छी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन सकती हो? मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगी? बहुत हो गया भूतियापा. I mean, it's enough for now. Never say never. हाँ, इतनी उम्मीद करती हूँ कि आगे अगर ज़िंदगी में कभी किसी भूत को बुलाना पड़ा, तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ. Sure. Look after yourself. You too. Thank you. वापस बॉम्बे जा रहे. यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ बैड मेमोरीज. तुम भी हमारे साथ आ जाओ वहां पे किसी कॉलेज में. डैड का सपना था ना ये कॉलेज. मैं यही रुकूंगा जब तक सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता. मैं भी यहीं रहूंगी तुम्हारे लिए. मुझे कुछ डैड की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.